आप जानते हैं भारत और एशिया की पहली महिला डीजल इंजन ड्राइवर के बारे में? हाँ, ये सही है, उनका नाम है मुमताज। पितृसत्तात्मक समाज के एक औरत का आगे निकलना अपने आप में मिसाल है। अपने समाज में पितृसत्ता चाहे कितनी ही मजबूत जाने जड़े बना कर रखे, महिला समय समय पर उन्हें उखाड़कर अपनी काबिलियत के बीज बोती रहती है। भारत और एशिया की पहली महिला डीजल इंजन ड्राइवर मुमताज काजी। मुमताज को इस साल महिला दिवस पर राष्ट्रपति की तरफ से नारी शक्ति पुरस्कार मिल चुका है। ये अवार्ड पाने वाली देश की 7 प्रभावशाली महिलाओं में से एक है। मुमताज 20 साल की उम्र में ही मुंबई में लोकल चला रही है और पूरी तरह आदमियों को प्रोफेशन का कहे जाने वाले इस पेशे में अपना नाम बनाए हुए है। इस वक्त वो रेलवे के सबसे कॉरिडोर की जिम्मेदारी संभाल रही है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ठाणे। जितना आसान लग रहा है उनका सफर उतना ही मुश्किल था। वो एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती है और ऐसे परिवार में ड्राइवर बनने के उनके फैसले के हर कोई खिलाफ था। उनके पति खुद रेलवे के डिवीजन ऑफिसर थे और उन्हें मुमताज का फैसला बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मुमताज ने किसी तरह उन्हें मना लिया। साल 1995 में मुमताज की ख्याति भारत में फैल गई जब पहली महिला लोकोमोटिव ड्राइवर के लिए नाम LIMCA बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई। उसके 10 साल बाद उनकी सेवाओं के लिए उन्हें रेलवे जनरल मैनेजर अवार्ड भी नवाजा। मुमताज अभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो हजारों मुश्किल को झेल कर भी आगे बढ़ रही है।